डॉक्टर डी के पांडे वरिष्ठ वैज्ञानिक, आदरणीय राजाराम शुक्ला जी, मेरे मित्र आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी, हमारी महानगर पालिका की एडिशनल कमिश्नर मैडम गोयल, स्वाई उपाध्यक्ष और उपस्थित सभी अतिथिगण, बाबू ने अपने जीवन में साइंस कॉलेज में MSc किया है और जब वो साइंस कॉलेज के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे तब से मैं उनको जानता हूँ और विशेष रूप से पिछले 25 साल में उन्होंने बच्चों को विज्ञान के बारे में अवेयरनेस तैयार करने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए इस उपक्रम की शुरुआत की। मुझे याद नहीं पर पिछले अनेक सालों से मैं लगभग यहाँ आता हूँ और उसमें विशेषता यह है कि जिसकी मुझे खुशी है कि महानगर पालिका के स्कूल के बच्चे यहाँ ज़्यादा आते हैं। झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के घर के बच्चे आते हैं, जो अच्छे स्कूल में जहाँ सब प्रकार के अपरेटस होते हैं, ऐसी शिक्षा लेना जिनके लिए संभव नहीं है, ऐसे गरीब के घर के बच्चे यहाँ आते हैं और उनको विज्ञान के बारे में छोटे छोटे उपकरणों के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा अच्छी जानकारी मिलती है, जागरूकता मिलती है। और अनेक सालों से गोयल मैडम महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर यहाँ है और मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि हमने नागपुर महानगर पालिका में हमारे सेंट्रल रोड पर गंगाबाई घाट के नज़दीक एक अच्छी स्कूल जो बंद पड़ी है वो इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट की है। नागपुर के मेयर दयाशंकर तिवारी थे, उन्होंने घोषणा की है, कमिश्नर साहब भी मेरे मीटिंग में आए, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। टेक्नोलॉजी है और हमारी फ्यूचरिस्टिक विजन है, उसका फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन अगर सही करना है तो ये जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कल के नागरिक हैं उनके मन में अगर विज्ञान के प्रति सजगता, जागरूकता और वो विज्ञान को फैमिलियर बनेंगे तो इनमें से बहुत से साइंटिस्ट तैयार हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इस कार्य के लिए मैं तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर एग्रीकल्चर में बाबू ऐसा है कि अपने यहाँ के एक संस्था गुजरात में है और डॉक्टर माशेलकर उसके अध्यक्ष हैं और गुप्ता जो इसके सेक्रेटरी अभी रिटायर्ड हो गए वो, और गांव के लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नहीं अनेक उपकरण तैयार किए। जो गांव में रहते हैं अनपढ़ है पर उनको कोई एक्सपोजर नहीं मिला और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो अलग अलग प्रकार के प्रयोग करने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार, फ्लेक्स इंजन, मैं तो पीछे पड़ा रहता हूँ पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है दिल्ली में, मैं सबको घुमाता हूँ, मुख्यमंत्रियों को बोलता हूँ हाइड्रोजन पे काम करो। अभी मेरे पास किसान जो इथेनॉल बनाती है, शुगर केन जूस, मलाइसेस, अब बाम्बू राइस स्ट्रॉ और शुगर केन के साथ अब ब्रोकन राइस कॉर्न, तो उसके इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की इनोवा गाड़ी है और जो आवाज़ भी नहीं करती, धुआं भी नहीं छोड़ती और जिसका एवरेज रेट पेट्रोल की तुलना में 20 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, इतना एवरेज मिलता है। मेरे आग्रह पर बजाज, TVS और हीरो ने 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां तैयार की है। अभी हमारे एग्रो विजन में सब गाड़ियां थी और मैं एक बात देखता हूं कि आउट ऑफ बॉक्स जो रिसर्च होता है उसके बारे में लोगों के मन में विश्वास नहीं होता क्योंकि उनको लगता ही नहीं ये संभव है करके, पर जो लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ आकर, छोटे छोटे प्रिंसिपल है, जब साइंस कॉलेज के लड़कों ने मन का प्रोजेक्ट भी कोशिश करेंगे, मैडम को बताया एडिशनल कमिश्नर है और मैं सरकार हूँ और इनको जिम्मेदारी दी है कि किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर आप इसको करो। अब हम बूढ़े बनते जा रहे सब लोग तो जल्दी जल्दी हमारे सामने खड़ा होकर वो शुरू होना चाहिए और नागपुर में, पूरे देश में पहली बार ऐसा नागपुर में होना, ये अच्छी शुरुआत होगी। मैं भारत सरकार से भी इसके लिए ज़रूर ग्रांट ला कर दूंगा। फिर से एक बार जो आए हुए
बाहर से देश से अलग अलग साइंटिस्ट प्रोफेसर शिक्षक प्रयोग करने वाले जितने लोग आए उनका मैंने खुद सत्कार किया, क्योंकि पिछले बार मैं आ नहीं पाया था और इसलिए मैं उनको सबको उनके कार्य के प्रति बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ और निश्चित रूप से आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो शुरुआत यहाँ हुई है निश्चित रूप में देश के कोने कोने में पहुँचेगी। और एक अच्छी बात कि सुरेश अग्रवाल जी को हमारे रमन साइंस फाउंडेशन की ओर से एक बार ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो वैसे सुरेश अग्रवाल जी को मैं जानता हूँ, वो कोई पुरस्कार वगैरह के लिए कोई काम नहीं करते, पर आपने उनको रिकग्नाइज किया और रिस्पेक्ट करके ये अवार्ड उनको दिया, इसलिए सुरेश जी का भी अभिनंदन करता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई, आप सबको धन्यवाद और नमस्कार।